दैट इज क्या है भाई ड्रग, ड्रग क्या होता है, ड्रग क्या होता है बच्चा, ड्रग इज व्हाट अ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, ये क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है विच एक्चुअली कॉसेस चेंजेस इन अ बॉडी व्हेन कंज्यूम्ड, जब अपन उसको लेते हैं तो अपने बॉडी में कुछ कुछ चेंजेस लेके आते हैं, तो आप सोचो कि ड्रग मतलब मरियाना हो है, या फिर मरियाना हुआ या फिर हीरोइन हुआ या फिर कुछ और हुआ, वीड हुआ, ऐसा कुछ आप सोच रहे होंगे, पर बच्चा जो आप नॉर्मली मेडिसिन खाते हो दैट इज दैट ऑल्सो कम्स अंडर दिस कैटेगरी दैट इज नोन एज वॉट ड्रग्स, पैरासिटामोल जो अपन को फीवर के टाइम पर आप खाते हो राइट, दैट इज ऑल्सो वॉट अ ड्रग, सो बेसिकली ड्रग इज वॉट अ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, कुछ केमिकल सब्सटेंस है जो बॉडी के अंदर घुसते से क्या है कुछ चेंजेस जो है लेके आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अपन को फीवर है, अपन पैरासिटामोल खाते हैं, फीवर क्या है लो हो जाता है, इट इज ब्रिंगिंग आउट अ चेंज राइट, तो That is what we mean by drug. अब बताओ, drug से आगे और अगर बढ़ेंगे अपन, तो we'll come to one particular topic that is known as addiction, जो अपन को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, है ना? Addiction क्या होता है? It is a condition or disorder. इसको क्या बोल दिया? Disorder ही बोल दिया है, ठीक है? ये condition है या फिर disorder है, जहाँ पे which drives compulsive, repetitive actions despite negative consequences. किसी भी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? अपन addicted है कब बोलते हैं? When we know that ये जो है, ये अपने लिए अच्छा नहीं है. Still we are not able to control, अपन जो है वो करे जा रहे हैं. For example बोलते हैं कि बच्चा फोन जो यूज करना नहीं चाहिए ज्यादा, है ना, इट इज वॉट, इट इज क्वाइट एडिक्टिव, अभी सब लोग तो ऐसे ऐसे क्लिक करते रहते हैं राइट, इट इज वॉट, इट इज एडिक्टिव, बट वी नो द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज कि भाई अपना टाइम जो है बर्बाद हो रहा है, ठीक है, अपने आंखों की रोशनी जो है वो खराब हो रहा है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. अक्षित स्मैक या बच्चा, चलो सब बच्चा लोगों को सब पता है ड्रग के बारे में, चलो ठीक है. सो एडिक्शन मतलब क्या है? इट इज अ कंडीशन और डिसऑर्डर जहां पे अपन को वी आर वेरी वेल अवेयर दैट देयर इज व्हाट अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस टू समथिंग, बट स्टिल वी आर अ बॉडी इज ड्राइविंग टू डू दैट, ठीक है, अपना बॉडी जो है कह रहा है अपन को चाहिए ही चाहिए, ठीक है. और अब बात आती है सब्सटेंस अब्यूज, मतलब क्या है, ड्रग अब्यूज की बात. क्या होता है? हार्मफुल एंड एक्सटेंसिव मिसयूज ऑफ मूड ऑल्टरिंग केमिकल्स लाइक ड्रग्स और अल्कोहल. क्या बोल, अपन ऐसे इतना हो गया, इतना अपन यूज कर रहे हैं कि भाई उसका ही अब्यूज कर दिया अपन ने, ठीक है. तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, सब्सटेंस अब्यूज मतलब क्या है, अपन किसी चीज को इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्यों भाई, क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अपन एडिक्टेड है उस चीज के लिए राइट. एंड दीज आर व्हाट मूड ऑल्टरिंग केमिकल्स, ये सब क्या है, मूड ऑल्टरिंग केमिकल्स, अपन इसका मिसयूज कर रहे हैं, एक हद से ज्यादा अपन उसको यूज करते हैं, तब उसको बोलते हैं अब्यूज, ठीक है. सो ड्रग अपन ने पढ़ लिया, ड्रग कुछ भी हो सकता है, ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस विच विल ब्रिंग आउट व्हाट अ चेंज, कुछ भी चेंज जो है वो लेके आएगा. अब ड्रग पैरासिटामोल ऐसा था या फिर कुछ भी जो नॉर्मल अपन मेडिसिन लेते हैं वो भी आएगा, एंड देन द स्मैक और व्हाट से गांजा जो भी आपने बोला ये सब चीजें भी आएंगी. एंड देन वी स्पोक अबाउट व्हाट एडिक्शन, एडिक्शन मतलब क्या होता है, किसी चीज का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज जानते हुए भी वी आर नॉट एबल टू स्टॉप इट, वी आर थ्राइविंग फॉर इट, अपन को चाहिए ही चाहिए वो चीज, ठीक है. और ये किस चीज में होता है, किस चीज का एडिक्शन होता है अपन को, यूजुअली ऐसे केमिकल्स का जो मूड ऑल्टर कर लेता है, मतलब अपन को लग रहा है कि भाई अपन बहुत सुस्त है आज, अपना दिन बहुत खराब है, अपना मूड और खराब है, और अपन को क्या है, मूड अच्छा करना है, ठीक है, मूड अच्छा करना है. तो मूड अच्छा करने के लिए पीपल नाउ डिपेंड ऑन व्हाट, ड्रग्स, विच इज एक्चुअली व्हाट, बैड, बिकॉज इट इज व्हाट, एडिक्शन, क्योंकि अपन को पता है इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज जिसके बारे में अभी आप पढ़ोगे, ठीक है. सो बच्चा लोग, ड्रग को अपन ऐसे चार कैटेगरी में अपन बांट सकते हैं, वी कैन इजीली कैटेगराइज देम इनटू व्हाट, फोर डिफरेंट कैटेगरीज. यस, अल्कोहल इनटेक इफेक्ट, यस अल्कोहल इनटेक वो भी क्या है, खतरनाक इफेक्ट देता है राइट, अपना लिवर जो है टाटा बाबू के चले जाता है, अपने बॉडी से निकल के चले जाता है, उसको भागने का मन करता है, पर ऑफ कोर्स वो भाग नहीं सकता, हाथ पैर तो है नहीं, तो भाग लेता है, ठीक है. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट, ड्रग्स. बच्चा ड्रग्स के चार कैटेगरी है, ठीक है, इससे भी ज्यादा कैटेगरीज है, पर अपन को इतना ज्यादा डिटेल में बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वी आर फोकसिंग ऑन एनसीईआरटी, तो अपन एनसीईआरटी तक ही सीमित रहेंगे राइट. ओके, सो फर्स्ट वन इज व्हाट, डिप्रेशन. तो आप सोच रहे होगे ये ड्रग खाने के बाद डिप्रेशन हो जाता होगा, नहीं भाई, डिप्रेशन मतलब क्या है, अपनी सीएनएस, अपना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको स्लो डाउन कर रहा है, क्या है, उसको स्लो डाउन कर रहा है, उसको थोड़ा डिप्रेस कर रहा है. सो हियर व्हेन वी टेक डिप्रेसेंस क्या होता है, सीएनएस जो है थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, अपना ब्रेन का वर्किंग सब क्या है, थोड़ा स्लो डाउन, वी बिकम व्हाट, काम. अपन क्या हो जाता है बच्चा, वी बिकम काम, अपना बीपी जो है, ठीक है, अपना बीपी जो है वो भी क्या है, कम हो जाता है. तो लोग लेते हैं इसका, लोग जो बहुत ज्यादा एंशियस होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा एंशियस होते हैं, रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म, वायलेंस, अरे बच्चा लोग, फ्यूचर डॉक्टर ने तो बता दिया क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है इफ यू टेक लॉट ऑफ ड्रग्स एज वेल एज व्हाट, अल्कोहल. यस,
फ्यूचर डॉक्टर, असली में भी फ्यूचर डॉक्टर बनने का लगता है. ओके, सो एनीवेज वी वर टॉकिंग अबाउट डिप्रेसेंट्स. सो डिप्रेसेंट बच्चा वैसे ड्रग होते हैं, ठीक है, जो अपने CNS को क्या है, थोड़ा काम डाउन करेगा. ठीक है, CNS को बोलेगा थम जाओ थोड़ा आराम से. एंड देन BP जो है वो भी स्लो डाउन करेगा, अपना हार्ट बीट जो है बच्चा वो भी स्लो डाउन करेगा. ठीक है, सब कुछ क्या है ये स्लो डाउन करेगा. तो यूजुअली अपन पेशेंट्स को भी क्या है डिप्रेशंस देते हैं. पीपल हु आर वर्ट वेरी एंग्शियस अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग जिनको कंट्रोल नहीं करते, मतलब वो कुछ कुछ करते रहते हैं, इट इज आउट ऑफ देयर कंट्रोल. तो उनको क्या दिया जाता है, उनको डिप्रेशंस जो है बच्चा वो दिया जाता है, ताकि वो क्या है थोड़ा काम हो जाए. और इवन आपने देखा होगा ऑपरेशन के टाइम पे भी बहुत बहुत मच लगता है ना, बहुत एंग्जाइटी होती है कि भाई ऑपरेशन होने वाला हमारे पे, राइट. तब भी क्या है अपन डिप्रेशंस जो है बच्चा वो देते हैं ताकि थोड़ा थम जाए. ठीक है, ताकि थोड़ा थम जाए. इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा बच्चा, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, चलो वो मैं बाद में बताती हूँ. अभी के लिए आप इतना याद रखो डिप्रेशन मतलब होता क्या है, बिकॉज यू माइट गेट कन्फ्यूज. या फिर आई विल टेल यू बारबिट्यूरेट्स, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो आपके NCERT में देके रखा है. ठीक है, ये क्या है, काम करने के लिए अपन देते हैं. बट द प्रॉब्लम विथ दिस इज व्हाट, इट इज एडिक्टिव. क्या है ये, एडिक्टिव है. तो इसके जगह क्या है, कुछ और देना पड़ता है जो कम एडिक्टिव है. फॉर एग्जाम्पल बेंजो डायाजेपिन, ये थोड़ा कम एडिक्टिव है, पर सेम इट इज वर्किंग एज व्हाट, अ डिप्रेसेंट. इट इज वर्किंग एज व्हाट, डिप्रेसेंट. अनोक्सिया, यस. ओहो, बच्चों लोग तो बड़े फॉर्म में हैं. एंड देन वी लर्नड अबाउट डिप्रेशंस, राइट. अब अगली बात आती है स्टिमुलेंट्स की. स्टिमुलेंट एकदम उल्टा, ठीक है, एकदम उल्टा है. क्या है, एकदम से अपन क्या है स्टिमुलेट हो जाएंगे, जो भी कर रहे थे उसमें थोड़ा और एनर्जी आ जाएगा. ठीक है, सर नाउ आवर CNS विल बी व्हाट, नॉट काम एनीमोर, इट विल बी मोर एक्टिव. सो वी आर नॉट काम, आवर BP विल बी बिट हाई. ठीक है, और अपना हार्ट रेट जो है बच्चा दैट विल ऑल्सो बी व्हाट, बिट हाई. सो दैट इज द रोल ऑफ व्हाट, स्टिमुलेंट्स. ठीक है, स्टिमुलेंस का काम वो रहता है. ठीक है, और ये भी आपके NCERT में देके रखा है. लेट मी शो यू कहां है ये चीज. देखो एम्फेटामाइंस, ये जो नाम दिख रहा है आपको एम्फेटामाइंस, दे आर व्हाट, दे आर स्टिमुलेंस. तो ये चीज अपन यहां पे लिख देते हैं. ठीक है, स्टिमुलेंस के एग्जांपल में आपको जो याद करना है अभी के अभी, दैट इज व्हाट, एम्फेटामाइंस. ओके, चलो. So, we learned two things. Drug के दो कैटेगरी अपने पहले, एक था डिप्रेशन और एक था स्टिमुलेंट. दोनों की डिफरेंट बहुत ही अलग अलग फंक्शन है. डिप्रेशन वो है जो CNS को जो है काम डाउन कर, बोलता है भाई तू आराम कर भी. ठीक है, BP जो है कम कर देता है, हार्ट बीट जो है कम कर देता है. ये कब जरूरत पड़ेगी अपने को, जब कोई इंसान जो है हद से ज्यादा क्या है एक्टिव हो रहा है उसका. फॉर एग्जाम्पल उसने अपना मेंटल वही खो दिया है, एबिलिटी खो दिया है कि भाई कंट्रोल नहीं, उसके बॉडी में कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा. तब उन पेशेंट्स को क्या दे देंगे अपन, ये डिप्रेशन जो है बच्चा वो दे देंगे. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, बारबिट्यूरेट्स आर एग्जाम्पल. और बारबिट्यूरेट्स व्हाट, इट इज एडिक्टिव, दैट्स व्हाई हॉस्पिटल में क्या है ये नहीं देते हैं. ठीक है, हॉस्पिटल में यूजुअली ये नहीं देते हैं. एंड देन उसके अलावा वी हैव बेंजोडाइजेपिन्स. क्या है, बेंजोडाइजेपिन्स है जो कि क्या है, जो कि डिप्रेसेंट है. अब उल्टी बात कर रहे हैं स्टिमुलेंट्स की. स्टिमुलेंट्स कैसे होते हैं बच्चा, दे आर वेरी नाइस. ठीक है, दे आर नॉट वेरी नाइस. ठीक है, वो क्या है, BP इंक्रीज कर देते हैं, हार्ट बीट थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, अपन को थोड़ा एक्टिव बना देते. तो ऐसे लोग जो बड़े ही स्वस्थ है ना, जिनको डिप्रेशन हो गया भाई, वो कुछ काम नहीं कर पा रहे, दे आर नॉट फीलिंग वेल, दे डू नॉट फील टू गो आउट, दे डू नॉट फील टू टॉक, दे आर वेरी डल. ठीक है, उनको क्या दे दिया बच्चा, स्टिमुलेंस दे दिया. ठीक है, और कैसा स्टिमुलेंस दिया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज नॉट समथिंग दैट वी गिव इन हॉस्पिटल्स. ठीक है, एम्फेटामाइंस नहीं देते हैं, बिकॉज एम्फेटामाइंस ये सब क्या है बच्चा, दे आर एडिक्टिव. इसकी जगह कुछ और देते हैं. हाई स्टैकी, इसकी जगह क्या है, कुछ और व्हाट से ड्रग्स जो है वो दिया जाता है, जो आपके NCERT में मेंशन नहीं है, तो अभी अपन वो नहीं पढ़ेंगे. एंड देन थर्ड कैटेगरी कम्स हैलुसिनोजेंस. हैलुसिनोजेंस मतलब क्या है भाई, आपको बादल में चार पैर दिखेंगे, वो दौड़ते हुए दिखेंगे, फूल पत्तियां जो है वो चलते हुए भागते हुए दिखेंगे, ये सब मिलेगा आपको हैलुसिनोजेंस खाने के बाद. ठीक है, स्पोर्ट्समैन कैनाबिनॉइड्स लेते हैं बच्चा, स्पोर्ट्समैन कैनाबिनॉइड्स लेते हैं जो स्टिमुलेंट्स होते हैं. ठीक है, स्टिमुलेंट्स, क्योंकि उनको क्या है, उनको एनर्जी चाहिए, उनको भागना है. ठीक है, दे नीड एनर्जी. और आपको पता है, इसमें समझ में आ रहा है आपका, जो कौन एक्टिव बनाएगा स्टिमुलेंट्स, जो नाम समझ में आ रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है कुछ चीज, राइट. सो दे यूजुअली टेक स्टिमुलेंट्स एंड बेसिकली कैनाबिनॉइड्स, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. ठीक है, हाय डिंपल बच्चा,
ओके सो हैलुसिनोजेंस वो है जहां पे आपको दिख रहा है भाई बादल जो है चलने लग गए, बहुत सब कुछ कलरफुल दिखेगा आपको, रेनबो, रात को भी रेनबो देखने को मिलेगा. तो हैलुसिनोजेंस मतलब लेने के बाद आपको ये सब जो है होते हुए नजर आएंगे. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है भाई, हैलुसिनोजेंस का बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, बताओ बताओ बताओ. कैनबिस सटाइवा से जो भी आपको मिलेगा सारे इसके एग्जाम्पल होंगे. जैसे गांजा हुआ, ठीक है, हाशिश हुआ, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये सब चीजें. गांजा, हाशिश, ये सब क्या है, हैलुसिनोजेंस के एग्जाम्पल है. मैरियाना, ये सब इसके एग्जाम्पल है. एंड देन वी हैव अ डिफरेंट कैटेगरी, दैट इज व्हाट ओपिएट्स. ओपिएट्स इज जस्ट लाइक, अपन बोल सकते हैं कि डिप्रेशन जैसा है, ठीक है, ओपिएट्स अपन बोल सकते हैं कि डिप्रेशन जैसा है. ये लोग भी क्या है, अपने सीरियस पे इफेक्ट करता है, बोलते स्लो डाउन हो जाओ, काम डाउन हो जाओ, बीपी थोड़ा कम कर देता है, हार्ट बीट जो है कम कर देता है. तो अपन लिख देते ये चीज, सीएनएस को नीचे कर देगा, ठीक है, काम कर देगा, बीपी जो है वो भी लो कर देगा, हार्ट रेट को भी क्या है लो कर देगा. पर इनके पास एक स्पेशल फीचर है जो डिप्रेशन के पास यूजुअली नहीं रहता है, दैट इज व्हाट, ये लोग एनालजेसिक जैसे भी काम करते हैं, ठीक है, दे वर्क एज व्हाट, एनालजेसिक्स आल्सो. एनालजेसिक मतलब समझते हो, कोई बच्चा बताएगा मुझे एनालजेसिक मतलब क्या होता है, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी एनालजेसिक मतलब क्या है, बताओ बताओ बताओ. एनालजेसिक का मतलब क्या होता है, come on बच्चा पार्टी. एनालजेसिक, चलो तुम लोग नहीं बता रहे, हम ही बता देते हैं, है ना. एनालजेसिक्स वो होते हैं जो पेन रिलीफ करते हैं. अपन देखा होगा, अपन को अभी दुखता है तो अपन कॉम्बीफ्लाम यूजुअली खाते थे पहले, बहुत टाइम पहले, अभी तो कॉम्बीफ्लाम नहीं ऐसे खाते हैं लोग, ठीक है, बट पहले खाते थे बिकॉज इट वॉज पेन रिलीवर. तो एनालजेसिक में यहाँ पे ये लोग क्या है, पेन रिलीफ के लिए वी यूज व्हाट, एनालजेसिक्स. और ओपीएस के पास ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है कि भाई वो क्या है, एनालजेसिक है. इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है पता है आपको, बेस्ट एग्जाम्पल इसका मॉर्फीन. क्या है इसका बेस्ट एग्जाम्पल, इट इज नन अदर देन मॉर्फीन. मॉर्फीन जो है यूजुअली जब बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा जो पेन होता है तो मॉर्फिन जो है हॉस्पिटल्स में दिया जाता है पेशेंट्स को. पर इट इज व्हाट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हिसाब से नहीं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा ये चीज, ठीक है. और बेसिकली ये बहुत कम देखने को मिलेगा अभी तो, ठीक है. इसके अगेंस्ट कुछ और चीजें आपको देखने, ऑल्टरनेटिव चीजें आपको जो है वो देखने को मिलेंगी. पर यूजली पहले जमाने में, ठीक है, बहुत टाइम पहले क्या है, मॉर्फिन तो एकदम बहुत अच्छी तरीके से यूज किया जाता था क्योंकि एनालजेसिक जैसा वो रोल जो है प्ले करता है. एंड दैट इज व्हाट इट इज एन ओपिएट. वो क्या है, एक ओपिएट है, ठीक है. I hope it made sense. ठीक है, चलो तो अपन जल्दी से जो है ड्रग का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू समझ में आ गया कि भैया क्या क्या कौन कौन क्या क्या करता है, राइट. सो ड्रग में सबसे पहला कैटेगरी डिप्रेशन, जो सीएनएस को काम डाउन करता है, अपने हार्ट बीट को थोड़ा बोलता है डिप्रेस हो जाओ, अब ऐसा तो ज्यादा तेजी से आपको बीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बीपी जो है कम हो जाएगा, ठीक है. एग्जाम्पल कौन है, बारबिट्यूरेट्स है इसका एग्जाम्पल. कौन है भाई, बारबिट्यूरेट्स. बार में जाते तो क्या नशा हो जाता है, राइट. सिमिलरली ये खाने के बाद भी क्या नशा हो जाता है, that's why it is very addictive, that's why it is not preferred, theek hai. So barbiturates is one example. Uski jagah we have another alternative, that is what, benzodiazepine. Aise yaad karo, benzodiazepine. Helicobacter pylori. Hi, good evening. Bada hi interesting naam rakhte ho aap log bachcha log, theek hai. So we have what, benzodiazepine. Ye bhi kya hai, it is a depressant. Ye matlab anxious insaan ko kya hai, kaam karne ke liye kaam aayega. एंड नाउ वी हैव व्हाट, स्टिमुलेंस. वी हैव स्टिमुलेंस जो एग्जैक्टली ऑपोजिट है कि इसके डिप्रेशंस के. ये सीएनएस को एकदम हाई हाई हेलो हेलो कर देता है, बहुत मस्त एकदम दूसरी दुनिया में ले जाता है, है ना. और बीपी जो है हाई कर देता है, हार्ट बीट जो है हाई कर देता है, राइट. एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है बच्चा, एम्फिटामाइंस. कौन है, एम्फिटामाइंस. ये चीज भी आपको याद रखना है, यहाँ पे बेंजोडाइजेपाइन है, यहाँ एम्फिटामाइंस है, ओके. So this thing you have to remember. And then comes a different category, that is what, hallucinogens. जहाँ पे आपको क्या है, सब कुछ उड़ते हुए चलते हुए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि जो कलर्स है वो आपको बात करते हुए दिखेंगे,
ठीक है, ऐसा ऐसा अजीब सा जो है, अजीब सा या फिर व्हाट से फनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन जो है क्रिएट हो जाता है. बट लेट मी टेल यू, इट इज वेरी डेंजरस ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट यू आर लिसनिंग, इतने मजे से सुन रहे हो, आपको लग रहा है मजे आते होंगे, ये काम क्या है, बट इट इज एक्चुअली व्हाट वेरी वेरी डेंजरस. आप सोचो, आप चल रहे हो और आपको लग रहा है कि गाड़ी जो है रुकी हुई है, ठीक है, और आप चले जा रहे हो, मतलब आप तो कई जगह टिक जाओगे ना, आप तो आपका तो हो जाएगा टाइट आई फेस, खत्म बात आपकी, तो ये तो प्रॉब्लम है ना. सो दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर व्हाट बैंड, दैट इज वाई मोस्ट ऑफ ड्रग्स आर बैंड इन आर कंट्री एज वेल एज अदर कंट्रीज एज वेल, बिकॉज वी वॉन्ट अवेयर पीपल हु आर अवेयर वॉट दे आर डूइंग, राइट. एंड हैलुसिनोजेंस का बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? गांजा है, हाशिश है, ठीक है, जो कैनबिस जो ये आपको कैनबिस सटाइवा जैसे प्लांट है, वहाँ से जो भी आपको चीज़ें मिलेंगी वो सब इस कैटेगरी में आते हैं यूजुअली. अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, डू नॉट वरी. एंड देन लास्टली वी हैव ओपीएट्स, जो कि इसका भाई है, डिप्रेशंस का भाई है ओपीएट्स, बट इनके पास एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज वॉट दे आर एनालजेसिक ऑल्सो. ठीक है, ये भी सब कुछ शांत कर देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और एनालजेसिक प्रॉपर्टी भी इनके पास, मतलब क्या है, पेन रिलीफ जो है वो भी करते हैं. ओके अविनाश बच्चा, आपका अभी भी साउंड क्लियर नहीं आ रहा है क्या गाइस? क्या सबके साथ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर सिर्फ स्टैकिंग के साथ हो रहा है प्रॉब्लम? कमेंट बॉक्स में बता दो, चैट बॉक्स में बता दो बच्चा लोग, ताकि मैं या फिर स्टैकी कुछ कर सके इसके बारे में. ओके, एनीवेज आई थिंक दैट आई एम ऑडिबल. ओके, सो लास्टली वी हैड वॉट? ओपीएट्स. और उसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? मॉर्फीन. ठीक है, जो यूजुअली पुराने जमाने में बहुत ज्यादा अमाउंट में दिया जाता था, बहुत ज्यादा अमाउंट पे नहीं, मतलब बहुत ज्यादा आपको कॉमनली देखने को मिलता था, क्योंकि इट इज वॉट पेन रिलीफर. जो आपको एक ऑपरेशन खत्म हुआ या फिर ऑपरेशन पहले क्या है, पेन रिलीफ करने के लिए दे दिया, ऐसे ऐसे चीज के लिए यूज किया जाता था. ओके,